अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا सल्लो अलैहि वसल्लमो तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमां बारकत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जदों दिन हशर नू सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर नू सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे और जन्नतां नू जाएगी सवारी आप दी और जन्नतां नू जाएगी सवारी आप दी नाल नाल मदनी दयार होणगे
हामी साडे आमीना दे लाल होणगे। और जेड़े सदा पढ़दे ने दरूद आप ते, और जेड़े सदा पढ़दे ने दरूद आप ते, जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होणगे। हामी साडे आमीना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर नू सवाल होणगे, हामी साडे आमीना दे लाल होणगे। हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बड़ाई बजुर्गी अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाले वल इकराम दी जात वास्ते खास है, जिस मालिक कुल ने जिस मालिक हकीकी ने मैनू और तुसानू पैदा फरमाया। दरूदो सलाम आमिना दिलाल ताजदारे मदीना अहमदे मुस्तफा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जात अकदस ते जात गिरामी ते होन। अज दाए अजीम शान प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज दे नाल कामयाब है। और हाजी मुहम्मद हनीफ चिश्ती साहब इस दुनिया फानी नू छोड़ के चले गए, उन्हां दी याद दे अंदर उन्हां दे बेटियां ने उन्हां दे पोते मुहम्मद वकास शाह साहब उन्होंने इस प्रोग्राम का इनाकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलो दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी साहब नू जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमाए और इन्हां दे वरसा नू दीने इस्लाम ते चलन वाला बनाए और उन्हां वास्ते इन्हां नू सदका जारिया बनाए और उन्हां वास्ते इन्हां नू अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस भाई मुहम्मद वकास शाह साहब इस नौजवान दी उम्र दे अंदर बरकत पाए, अल्लाह ताला नेक बनाए, इस तरह ही दीन दे कम्मां दे अंदर बढ़ चढ़ के अल्लाह हिस्सा लैण दी तौफीक अता फरमाए। मेरे जुम्मे इन्हां ने हकूके वालिदैन उनवान लगाया कि हकूके वालिदैन दे मौजू ते वालिदैन दे नाल हुस्नो सलूक दे मौजू ते तुसी गुफ्तगू करनी है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करांगा और मेरी गुफ्तगू दे दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा बाप दी शान दे अंदर और दूसरा हिस्सा मां दी शान दे अंदर। क्यों? कई बाबे आंदे ने भी जेड़ा मौलवी आंदा मां दी शान बयान करके टुर जांदा है, ये मावां दी धागे ही पुत्र बड़ी ताबेदारी करते ने ते साडे लागे कोई नहीं लगते। एक ना आलम दीन ने गल सुनाई कि उन्हां दे शगिर्द जेड़े सी ना वह घर के अंदर जान खुद भी पढ़े लिखे सी ते जाके ते अपनी वालदा की खिदमत करन प्यो नू कु थोड़ा जिहा कट उन्हां दे नाल हुस्नो सलूक करन। उस्ताद दे कोले आए ते आण के कहण लगे अपने शगिर्द नू समझाओ ठीक है मैं मन्या कि जिहड़ी जन्नत है मां दे कदमां थले, पर इनू ये भी तो समझाओ ना प्यो जेड़ा ना जन्नत का दरवाजा है, ये सीधा जन्नत जांदा है, जन्नत जाण वास्ते इस दरवाजे चो लंघना पैगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बाप है ना वो जन्नत का मेन गेट है, दरम्यानी दरवाजा है। इसलिए वालिदैन की खिदमत करनी है, प्यो की भी इज्जत करनी है, वालदा का भी एहतराम करना है। और मैं ये गल दावे नाल कहना चाहना कि अगर
एक सैड ते 70 वली हाथ उठान और दूसरी सैड ते बुढ़ी मां दे कंब दे हाथ रब दे सामने उठन। इना 70 वलियां दी दुआ तो पहला अल्लाह रब्बुल आलमीन वालदा दी दुआ नू कबूल कर लेंदे ने। तो आज दा जड़ा दौर है जा रहे है, वालिदैन दी इज्जत नहीं की जाती, वालिदैन दी कदर नहीं की जाती, वालिदैन दी नाफरमानी। ऐसे ऐसे बदबख्त वेखे ने जेड़े अपने वालिदैन नू गाला कढ़न वाले, अपने वालिदैन नू कुटन मारन वाले, इथों तक जालम वेखे ने जेड़े अपने वालिदैन नू फैर तक मारन वाले। कसूर दे अंदर जमीन दे तनाजे दे अंदर पुत्र ने प्यो नू पांच फैर मारे, पांच फैर मारे, रब दी कुदरत तो बाबा बच गया। जदों जेल गया ना बयान रिकॉर्ड करवाया, कोई नहीं बच गया, जदों फिर मौका मिलेगा मैं फिर मार दूंगा। अज आ सूरत हाल बन चुकी है। दुआ करो फिर एहो जे जेड़े वालिदैन ने यही कहंदे ने कल्ला ऐसी औलाद नालों ता औलाद ना ही होए ते बेहतर। दुआ करो अल्लाह वालिदैन की कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। इसे चीज नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया। 15वां पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज दे नाल वालिदैन दी नाल हुस्नो सलूक करने दी सानू हुक्म दिता है, आर्डर दिता है। आओ तवज्जो फरमाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका दा नाम है दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल जौक नाल शौक नाल पढ़ना है, क्योंकि जड़ा पीर मिले है बड़ा सोना पीर मिले है, उस पीर जैसा होर पीर कोई नहीं। ता मैं मुहब्बत दे नाल कहना चाहना कि मेरे आका दिया सिफतां, के मेरे आका दिया सिफतां पया करदा जमाना ए। जिन्हों आका दी सिफत चंगी लगती उच्ची को सुभान अल्लाह। के मेरे आका दिया सिफतां पया करदा जमाना ए, के सब सोने तो सोना हसनैन दनाना ए। और रब कसमा उठाया ने विच कुरान दे आया ने, और रब कसमा उठाया ने विच कुरान दे आया ने, के चेहरा मेरे आका दा जिमें हुसन खजाना है, के मेरे आका दिया सिफतां मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नाजल होण वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बयान कर रहे हैं। फरमाया वकजा रब्बु का अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहू वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि मैं फैसला कर दिता है, ये मैं फैसला कर दिता है। अल्लाह सोनिया की तुसी फैसला कर दिता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं ये फैसला किया कि इबादत की जाए ते मेरी रियाजत की जाए ते मेरी सारे सजदे दे अंदर चुकाया जाए ते मेरे वास्ते कोई भी नजरो न्याज दी जाए ते रब ताला वास्ते कोई भी शह मंगी जाए ते रब कोलो मंगी जाए। सब कुछ अता करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात। अल्लाह और कल्ला अल्लाह कोलो मंग बंदे जिथों मोड़ ना थोड़ो वे परदे कज लेंदा बंदा उम्रां दा चोर होवे।
अल्लाह को मंग बंदे जितो मोड़ न थोड़ो वे परदे कज लेंदा बंदा उमरां दा चोर होवे कुरान दियां पढ़िया है तां कुरान दियां सुनिया है तां आए तां विच शक कोई नहीं रब दियां सजदियां विच बंदियां दा हक कोई नहीं ओ नबी पीर पैगंबरां दा भावें रुतबा खोर होवे परदे कज लेंदा बंदा उमरां दा चोर होवे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इबादत करनी है ते मेरी अगे फरमाया वा बिल वालिदैन एहसाना वालिदैन दे नाल हुस्नो सलूक करना है वालिदैन दे नाल मुहब्बत करनी है वालिदैन दे नाल प्यार करना है इन्हां दी खिदमत करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुहाडे वालिदैन दे विच्चों भावें इम्मा यबलुगन इंदा गल के बारा अहदुहुमा औ किलाहुमा वालिदैन दे विच्चों एक बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर पहुंच गया प्यो बुढ़ा हो गया या मां बुढ़ी हो गई है या वालिदैन दोवे मां बाप ही बुढ़े हो गए ने ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर इन्हां दे नाल उसनु सलूक बढ़ाओ आला अंदाज दे नाल करना है बड़े अच्छे अंदाज दे नाल करना है बाप बुढ़ा हो गया इनू परेशान नहीं करना क्योंकि जदों बंदा वडेरी उम्र दे अंदर पहुंच जांदा है ओ तो बंदे दा ज़ेहन बच्चियां वाला बन जांदा है इसलिए बाप दे नाल पेश आना ते मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल सोहणियां सोहणियां गल्लां करनियां ने प्यारियां प्यारियां गल्लां करनियां ने रब ताला ने फरमाया इन्हां नूं उफ तक नहीं कहना इन्हां नूं चिड़कना भी नहीं इन्हां वास्ते अपने रहमत दे बाजू फैलाने ने और इन्हां वास्ते दुआ करदियां रहना है मेरे मुसलमान वीरो जिहड़ा बंदा वालिदैन दा ना फरमान है वो दुनिया ते भी जलील है आखरत दे अंदर भी जलील और रसवा होएगा जिहड़ा वालिदैन दी खिदमत करन वाला है वालिदैन दे नाल प्यार मुहब्बत करने वाला है वो दुनिया ते भी अल्लाह ऐसे बंदे दे कंड नहीं लगन देंदे कबर दे अंदर हशर दे अंदर भी अल्लाह पाक उस बंदे नू सुरखरू कर देंगे आ मैं तेरे सामने मिसाल देना चाहना नू पैगंबर ने कश्ती दे विच सवार होने वास्ते कहिंदे ने ऐ मेरे पुत्र आ जा इस कश्ती दे विच सवार हो जा आ जा अज बच जा रब दे अजाब तो ये पुत्र कहन लगे ऐ मेरे बाबा नू जी मैं तुहाडे नाल कश्ती ते सवार कोई नहीं होना प्यो दी गल मनन तो इनकार कर दिता है अल्लाह ने नतीजा की वखाया मैं एक नुक्ता समझा के अगे जाना चाहना पूरा वाकया बयान करना मकसूद नहीं नूह दा बेटा अखां दे सामने गर्क हो गया मर गया मेरे मुसलमान वीरो दूसरी सैड ते बेटा फरमा बरदार है दूसरी सैड ते बेटा बाप दी एक एक गल नूं मनन वाला है बाप दी एक एक अदा ते अमल करन वाला है बाप दी एक एक गल नू मनन वाला है जनाबे इस्माइल अलैहि सलाम ने मेरे मुसलमान वीरो ते जदों रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिता है कि ऐ मेरे इब्राहिम पैगंबर जी अपने बेटे इस्माइल नू मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर दियो ना इनू मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर छड़ो ना मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलाम कहन लगे अल्लाह सोणिया मैं तुहाडा हर आर्डर ही मन्निया ते ए वी तुहाडा आर्डर मन्नांगा मैं कदी भी इस आर्डर तो नहीं भजांगा पहन लगे मेरे मुसलमान वीरो इब्राहिम अलैहि सलाम अपने बेटे नु कहन लगे फलम्मा बालगा मा गुस्सा काल या बुनैया इन्नी अराफ मनाम
मियन्नी अजबाहु काव फंजुर माजा तराव। कहन लगे मेरे पुत्र ए जदों भजन सुन दी उम्र दे अंदर होए ने नाम। कहन लगे मेरे पुत्र मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया कि मैं तेनू ज़िबा कर रहा ते तेरी हुण की मर्जी है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहन लगे ऐ मेरे अब्बा जान जो रब ने तुहानू हुक्म ते आर्डर दिता है तुसी उंदे ते अमल करो ना मैं भी सबर करके वखा देंगा मैं भी पक्का रहांगा कदी भी नहीं फिरांगा। मेरे मुसलमान वीरो आ बाप दा फरमा बरदार बेटा छुरी चला रहा बाप ते लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हें बाप दी गल मनिए इनू कदे मैं ज़िबा होण देंदा नहीं रब ताला ने बचा लिया। मेरे मुसलमान वीरो अगे गौर करना तवज्जो फरमाना। तीसरी मिसाल ये जेड़े यकूब अलैह सलाम दे पुत्र ने दसा पुत्रा ने बाप नू सताया। मैं के मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना दस पुत्र जिन्ना ने सताया ये मेरे मुसलमान वीरो रब्बुल आलमीन ने इन्ना जलील तरसवा कीता इन्हां नू फकीर बना दिता। फकीर बन के यूसुफ अलैह सलाम दे कोले अजीज़े मिस्र दे कोले मंगण वास्ते गए ने बोरियां फड़ियां ने कहिंदे ने अजीज़े मिस्र रुपये घट ने दाणियां दी ज्यादा लोड़ है साडे हालात बड़े माड़े ने कुछ साडे ते सदका भी कर दे। मेरे मुसलमान वीरो इन्हां ने बाप नू सताया अल्लाह ने फकीर बना दिता। दूजी सैड ते यूसुफ अलैह सलाम ने जिन्हां ने प्यो को खाब भी कोई नहीं लुकाए खाब भी प्यो दे सामने बयान कर दिता ते रब्बुल आलमीन ने मिस्र दे तख्त ते बिठा दिता। इसलिए नौजवानों अपने बाप नू तंग ना करया करो अपने बाप नू परेशान ना करया करो अपने बाप नू दुख ना दिया करो अपने बाप नू तकलीफा ना दिया करो। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के आठ दरवाजे ने इन्ना अठा दरवाजे दे विचों एक दरवाजे दा नाम ही रब्बुल आलमीन ने वालिदैन दे नाम ते रख छड़े है। और मेरे मुसलमान वीरो रब्बुल आलमीन ने बाप नू जन्नत दा दरवाजा करार दिता है। मेरे मुसलमान वीरो इसलिए अपने वालिदैन दे विचों प्यो दी भी कदर करना लाजमी और जरूरी है। जिन्ना अदब मां दा करना है उन्ना ही अपने प्यो दा करना है। मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना। मेरे आका मदीना पाक दे अंदर बैठे ने मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे ने क्या प्यारा मदीना मदीने का तस्करा कर दिए क्या मदीना और जदों कंधा दिसन मदीने दियां ठर जांदियां ने तैवां सीने दियां और नाले हसद ते बुगज कीने दियां बाबा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने हबीबे खुदा दियां गलियां विच जदों इंज रसाइयां हुंदियां ने और जदों रोजे अकदस ते नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे ओ बेनूर अखियां नू नजर पवे यकदम रुशनाइयां हुंदियां ने। ए सोना मदीना अल्लाह सोणिया जेड़े गए ने उन्हां नू दोबारा ले जा अल्लाह जेड़े नहीं गए उन्हां नू भी अल्लाह ले जा। मेरे मुसलमान वीरो ये आए ऐसे आबी ते आन के अपने प्यो दी शिकायत ला छड़ी है। कहन लग्या ऐ प्यारे नबी जी मेरा बाप एक तक कम कोई नहीं करदा मैं सारा दिन मर जाना रुपये कमांदा दिहाड़ी दप्पा करके घरे पैसे लैके आना ते मेरा बाप जेड़ा ना
मेरे पुछन तो बगैर ही माल नू खर्च कर देंदे, मेरे पुछन तो बगैर ही माल नू इस्तेमाल कर देंदे, रुपये पैसे खुद ही अपनी मर्जी दे नाल खर्च कर देंदे। मेरे मुसलमान वीरों जदों इन्नी गल कीतियां ना, महबूब पैगंबर सलाम ने फरमाया कि इस दे बाप नू बुला के लियाओ ना। मेरे मुसलमान वीरों बाप नू भी पता चल गया कि मेरे बेटे ने मेरिया शकैतां ला दित्तियां ने, तेरा दे शेर पड़दां दे, आयो पुत्रा मैं तेनू किड्डे लाडा नाल पा लिया, ओ तेनू मोढ़ियां ते चुकदा रहा, अज मैं बुढ़ा हो गया ते तू मेरिया शकैतां ला दित्तियां ई, ओ वक्त याद कर जदों तू खांदा सै मैं कमा के लैके आंदा सा, ओ वक्त याद कर जदों तेरी उंगली पकड़ के ते मैं तेनू टोरिया करदा सा, ओ वक्त याद कर जद तेनू उठा के ते मैं मुहब्बत ते प्यार करया करदा सा। ये शेर पढ़दा रहा ते महबूब पैगंबर दे कोले आया ते महबूब पैगंबर सलाम ने पूछया, ऐ मेरे आन वाले सियाबी तेरे पुत्र ने तेरी आ शिकायत लाई है ना। मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना, ऐ मेरे बुजुर्ग साथियो तवज्जो फरमाना गौर करना। मेरे मुसलमान वीरो महबूब पैगंबर सलातो सलाम ने पूछया की वजह तेरे पुत्र ने ये क्यों तेरी शिकायत लाई है। कहन लग्या ऐ सोने नबी जी हुण मैं बुढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई ने, हुण कमाण जोगा नहीं रहा, ते मेरा पुत्र जेड़ा आज तुहाडे कोले शिकायतां लैके आ गया। महबूब पैगंबर सलाम नू कह रहा, महबूब बाब इंदे मैं नखरे भी उठांदा रहा, इनू मैं पालदा भी रहा, मैं इंदियां जरूरतां दा ख्याल करदा रहा, ते अज मैनू इंज कह रहे है। मेरे मुसलमान वीरो नबी पाक ने जदों ये गल सुनी है ना, पैगंबर सलाम दियां अखां च आंसू आ गए, पैगंबर सलाम रोई जा रहे ने ते रोंदियां रोंदियां दाड़ी मुबारक तर हो गई। महबूब फरमांदे ने ओ जालिमा किंज दियां गल्लां पिया करना, तू इंज अपने बाप नू क्यों परेशान करन वाले। पैगंबर सलाम ने एक कायदा ते कानून बनाता है, फरमाया माल जेड़ा बेटे दा ओ बाप दा ही है, जा जिवें मर्जी इस्तेमाल कर। ओ सहाबी नू चिड़किया अपने वालिदैन दी खिदमत कर, अपने बाप दी खिदमत कर, इन्हां दी खिदमत करके दुआवां लै। ओ नौजवाना जदों बादशाही टुट जाए, जदों ये बादशाही कबरां दे अंदर जाके पै जाए, पता उदो लगदा पुछो ना कोल जिन्हां दे बाप टुर गए, कोई दलासे देण वाला ही कोई नहीं, पुछो ना दे कोलो जिन्हां कोले बाप दी ये शफकत मौजूद कोई नहीं। अज तू नौजवान है कोई कम कर लै, बाप मौजूद है भावें उन्हूं मिन्नतां करनियां पैण, ठारा ठप्पा मार लैंदा जदों ये बाप टुर गया, फिर उदों वेखेंगा पछताएगा, ये बहार लभनी कोई नहीं। ता मैं तेनू मुहब्बत और प्यार नाल समझाना चाहना, बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ऐ, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ऐ, बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ऐ, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ऐ, शेरां वांगू हौसले बाप सिखा देंदा, आप तके खाके पुत्र पढ़ा देंदा, शेरां वांगू हौसले बाप सिखा देंदा, आप तके खाके पुत्र पढ़ा देंदा, दस खां इंज दा हौसला होर किंदा ऐ, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ऐ, कंदे बाप दे बचपन दी असवारी सन, पींग हथां दी झूठनी वकर नजारे सन, बच्चियां दे
हर दुख ही बाप ओ सहिंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए। मेरे मुसलमान वीरो ओ नौजवान साथियो अपने मापिया नू ना सताया करो अपने बुढ़े वाले दैन नू ना सताया करो। अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालदा दी वी तुहाडे सामने शान बयान करना चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालदा दा मी दर्द बयान कीता है। फरमाया वसैन अल इंसान बि वालिदैहि हमलतुहु उम्मुहु वहनन अला वहनिहि वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर लि वालि वालिदैका इलैयल मसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं इंसान वसीयत की अपने वालिदैन दे बारे कि अपने वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करो अपने वालिदैन दे नाल नेकी करो। ते खसूसन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया माँ दे दर्द दा तज़किरा फरमाया हमला तू उम्मुहु वहनन अला वहनिल पहला तेरी माँ ने नौ माह तक अपने पेट दे अंदर तेनू उठाया तकलीफां दे अंदर परेशानियां दे अंदर दुखां दे अंदर तेरी मां ने ऐसियां चीजां छड़ दित्तियां जेड़ी तेरी सेहत नू नुकसान देंदियां सी। हालांकि दिल करदा तेरी मां ने उच्ची नीवी जगह ते चलना छड़ दित्ता है। फरमाया नौ महीने पेट दे अंदर उठा के अगे फिर दो साल तक तेनू दुध पिलाया दो साल तेनू दुध पिलाया। क्यों इस मां की कदर नहीं करता क्यों इस मां दे नाल मुहब्बत नहीं करता क्यों इस मां दे नाल प्यार नहीं करता जेड़ी तेनू दो साल तक दुध पिलांदी रही। अवीरा एक कुत्ते दा बच्चा है उन्हूं एक दिन दुध पिलाओ दूजे दिन दुध पिलाओ तीजे दिन दुध पिलाओ चौथे पंजवें दिन आके पैरां च बह जाएगा। वह नौजवाना जेड़ी मां ने तेनू दो साल तक दुध पिलाया क्यों नहीं उंदी कदर करदा क्यों नहीं उंदे नाल प्यार करदा क्यों नहीं उंदे नाल मुहब्बत करदा। मेरे मुसलमान वीरो मां एक ऐसी अजीम हस्ती है जिंदे बारे मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले एक सहाबी आया आन के पुछन लग्या महबूब सोने आम मैनू कोई अच्छा अमल दसो नाव जेड़ा अमल रब नू महबूब होए। महबूब फरमान लगे अस्सलातु अला वक्तिहा नमाज नू वक्त ते पढ़ना रब ताला नू बड़ा चंगा लगदा है बड़ा प्यारा लगदा है बड़ा सोहना लगदा है। कहिंदा सोने समझ आ गई कोई होर अमल दस दियो नाव। महबूब पैगंबर ने फरमाया अपने वालिदैन दे नाल हुस्नो सलूक करना वालिदैन दे नाल नेकी करना ये भी रब नू बड़ा चंगा लगन वाला है। तीजे नंबर ते महबूब नू कहंदा सोने कोई होर भी अमल दसो ना। महबूब पैगंबर ने फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह करना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलना अपनी जान की कुरबानी देना अपनी जान का नजराना देना ये भी रब नू बड़ा राजी करने वाला अमल है। मेरे मुसलमान वीरो वालिदैन दी दुआ लिया कर पहला तेनू जिन्ने वालदा दी दुआ लईए उन्हां दा वाकया बयान करना चाहना कि वालदा दी दुआ दे अंदर असर किन्ना है। मेरे मुसलमान वीरो इमामे बुखारी रहमतुल्ला अलैह ये जदों पैदा होए ने ते अखां तो नबीने ने मां ने नजर मन्नीए अल्लाह दीन दा इनू आलिम बनावांगे हाफिज बनावांगी कारी बनावांगी जदों पैदा होए ने ना अखां तो नबीने ने उम्मे बुखारी परेशान हो गईया कहन लगियां अल्लाह किवें उहने नूं मैं दीन दा आलिम बनावांगी इंदियां तां अखां ही कोई नहीं ते अखां नाल जहान है पढ़ेगा किवें ते रब दे खेड़े बह जांदियां ने अल्लाह मेरे बुखारी नूं अखां ही अता कर दे अल्लाह मेरे बुखारी नूं अखां दे छड़। मेरे मुसलमान वीरो ये दुआ करदियां करदियां एक दिन मुसल्ले ते पईयां ने ते एवें ही सो जांदियां ने ते ख्वाब दे अंदर इब्राहीम अलैह सलाम मिले ने ते कहन लगे ए उम्मे बुखारी
परेशान ना हो, जा जा के वेख अल्लाह पाक ने तेरे पुत्र नू अखां ता कर छड़ियां ने। ते मेरे मुसलमान वीरो जा के वेखिए ते रब ने अखां दे छड़ियां ने। इमामे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर दे ने, मां दी दुआ दी वजह तो मेरिया अखां नू अल्लाह ने इन्ना नूर अता कीता के चन्न दी रोशनी ते बह के मैं नबी पाक दियां हदीसां लिखिया करदा सां। आ इमां दी दुआ मेरे मुसलमान वीराओ, नौजवान साथियां, एक अल्लाह दे वली गुजरे ने बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ये अपनी मां दे पैरां च बह गए ने ते कहिंदे ने मां मैनू अपने हक माफ कर दे, अपने हक माफ कर दे ना मेरी मां, मैं रब दा कुरब हासिल करना चाहना, मैं इबादतां करना चाहना, मैं रियासतां करना चाहना ताकि रब दा मैं कुरब हासिल कर ला। मेरे मुसलमान वीरों 12 साल जंगल मियां बाना दे अंदर गुजार दिते, रब करदियां करदियां गुजार दिते। ते एक दिन अपने शहर दे कोलों दी गुजरे ने ते कहन लगे इत्थे क्यों ना अपनी मां नूं ही मिली जावां, बड़ी देर हो गई है, 12 साल हो गए ने मां नूं मैं मिलिया ही कोई नहीं। मेरे मुसलमान वीरों गौर करना, तवज्जो फरमाना, ये आण के बैठ वेखिया ते दरवाजा लगे है, ये कहन लगे मेरी मां सौरी होएंगी, हुण मैं इनू बेदार नहीं करना। सर्दी दियां रातां ने उंजी बैठ गया दरवाजे दे नाल। मेरे मुसलमान वीरो मां जदों उठी है तो हज्जत पढ़न वास्ते ते पानी दे वजू दे बाहर नाली चो आण दा पता चले है ते बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजा खटखटाया ते दरवाजा जदों खटखटाया आ वेख मां दी मुहब्बत किन्नी है, मां दा प्यार किन्ना है। मेरे मुसलमान वीरो दरवाजा खटखटाण दे अंदाज तो ही मां ने पहचान लिया, कहन लगी बेटा तू बायजीद है, कहन लगे मां तू किवें पहचान लिया, कहन लगी तू मेरा बेटा है, ये हालत मां ने वेखी है ते कहन लगी अल्लाह ये मेरा पुत्र जो लभद तू दे दे। बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे जेड़ा रब दा कुरम मैनू 12 सालां च नहीं लभिया सी, इन्हां मां दे जुमलिया ने मैनू कुरबता कर छड़िया। आई वीरा मां दी दुआ, मां दे कोलों दुआ लिया कर। और जेड़ा मेरे मुसलमान वीरो मां दी बद्दुआ है वह भी बड़ी लगन वाली हो, मां दी बद्दुआ तो बचिया कर। जेड़ी मेरे मुसलमान वीरो मां दी बद्दुआ है बड़े बड़े वड्डे वड्डे वलियां नूं छितर पवा देंदी है, रब दा वली है जिंदा नाम जुरैज है। मेरे मुसलमान वीरो जुरैज रब दा वली है, एक दिन नमाज पे पढ़ते ने ते मां ने बुलाया ते इन्हां नूं मां नूं ये नहीं पता कि पुत्र नमाज पे पढ़दा है, इसे सोच दे अंदर नमाज छड़ दियां मां दी गल सुनना, रब नाल गल करना, रब नाल गल छड़ दियां ते मां दी गल सुन ला। इन्हें इसे मेरे मुसलमान वीरो ये गल सोचदियां सोचदियां मां कहन लगी ऐ जुरैज उन्नी देर तक तेनूं मौत ना आए जिन्नी देर तक तू बदकारा औरत दा मुंह ना वेख ले। मेरे मुसलमान वीरो मां दे जुमले ने एक फहाशा औरत ए जुरैज वली वल मुतवजे होई, इन्होंने इन्हें तो मेरे मुसलमान वीरो दूर कर दिता। ये मेरे मुसलमान वीरो जुरैज वली दे माबद खाने दे करीब एक चरवाहा बकरियां चरवाण वाला आण के रहिंदा है, ये चरवाहे ने इतना बदकारी कीती है जदों बच्चा पैदा होया। ये कहन लग्या लोग कहन लगे, ये बीबी कहन लगी कि जड़ा बच्चा है जुरैज वली दा है, लोग आ गए ये टंबे मरन लग पै, ये माबद खाना टा दिता। कहन लगे उंज बड़ा सूफी बनया फिरना, उंज बड़ी रब रब करन वाले, ते अपने काम वेख ले, अपने काम चेक कर ले, ए केड़े तू काम पिया करना। मेरे मुसलमान वीरो जुरैज वली कहन लगे आओ यार रुक जो एक बारी मेरी गल सुनो ना, वाकया की? कहन लगे फलां फहाशा कहिंदी है आ जड़ा बच्चा पैदा होया ए जुरैज वली दा, कहिंदे ओ बच्चा मेरे कोले लै के आंदा जाए। बच्चा लै के आंदा गया, जुरैज वली ने दो रक्ता नमाज पढ़ी है, आ नमाज दे अंदर बड़ी ताकत
ताकत इन्हीं किसे एमपीएम ने दी, सफारिश के अंदर ताकत कोई नहीं, जिन्हें अल्लाह पाक ने दो रखता नमाज के अंदर रख छड़ी है। नमाज पढ़ के बच्चे दे सिर ते हाथ रख के कहन लगे, बाज हदीस दे अंदर आंदा इहदे पेट ते हाथ रख के कहा कि दस पुत्र तू किंदा बेटा है, ये बच्चा बोल के कहन लगे आ कि मैं फलां चरवाहे दा बेटा। वेख लो मां दी बददुआ दी वजह तो इल्जाम लग गया, मां दी बददुआ इंज असर करने वाली जे, ते मेरे मुसलमान वीरो इसलिए मां दी बददुआ तो बचिया करो, मां दी दुआ तो बचिया करो। मां तो अपने बच्चों के नाल प्यार ही बड़ा करने वाली है, मुहब्बत ही बड़ी करने वाली है। मां दी ममता पूछना चाहना ते मैं तेनू दसना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले एक काफला आया कैदियां दा, उन्हां दे विच इक औरत ते उंदा बच्चा गुम हो गया, ते जदों बच्चा गुम हो गया ना मेरे सलमान वीरो ये जेड़ी बीबी है बड़ी परेशान है, बड़ी दुखियाड़ है, कदी इधर टुरी जांदी है कदी इधर टुरी जांदी है, बड़ी परेशान है। ते मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना, ते जदो इंदा बेटा मिलिया ना उनू सीने दे नाल ला के प्यार करन लग पे, मुहब्बत करन लग पे। महबूब फरमांदे ने वेख लो आ मां दी ममता जे, आई मेरे मुसलमान वीरो बच्चे मस्जिद चो लेट हो जान ते मावां नू फिकर पै जांदे ने, बच्चे स्कूलों लेट हो जान ते मावां नू फिकर पै जांदे ने, ते पुत्र राती पिया ख्वाब दे अंदर डर जाए ते मां नू सारी सारी रात नींदर नहीं आंदी, आई मां दी ममता। तां मैं तनु प्यार नाल समझाना चाहना, मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए, मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र भावे ख्वाब दे विच भी डर जावे, पुत्र भावे ख्वाब दे विच भी डर जावे, मां दिन दिन ड्यूटी पैरे तार दिए, मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। मेरे मुसलमान वीरो गौर करना तवज्जो फरमाना, महबूब पैगंबर ले सलातो सलाम ने वालिदैन दे नाल हुस्नो सलूक करने दा हुक्म दिता है, और मेरे मुसलमान वीरो वालिदैन दी खिदमत करन दे नाल अल्लाह पाक कबीरा गुनाहां नू भी माफ कर देंदा है। मेरे मुसलमान वीरो सहाबा किराम इन्ना अपने वालिदैन दे नाल प्यार करन वाले, इन्नियां मुहब्बतां करन वाले, इन्नी शफकत करन वाले। मेरे मुसलमान वीरो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह मां नाल बह के सारी उम्र खाना नहीं खादा, लोगां पुछिया क्यों नहीं खादा, कहन लगे ते मैं इसलिए खाना नहीं खादा कि किते जेड़े खाने ते मेरी मां दी नज़र होवे ते मैं खा के ते किते गुस्ताख ही ना हो जावां। उन्हां नू इन्निया फिकरा, अज तू गाला कढ़न लग्या फिकर नहीं करदा, अज तू बुरा भला कहन लग्या फिकर नहीं करदा। मेरे मुसलमान वीरो एक सियाबी दी वालदा कहन लगी, पुत्र मैनू एक ऐसी चीज है जेड़ा खजूर दे जदों दरख्त नू पाड़िया जाए विचों गूदा निकलदा है वह खाण ते दिल करदा है। पुत्र ने मेरे मुसलमान वीरो तैयार खजूर खजूरां लगिया ने वह वढ़ के लिया के ते अपने पुत अपनी मां वास्ते इनू चीर के ते विचो गूदा कढ़ के लिया के दे छड़े है, ते आज तू भी एवें वालिदैन दियां ख्वाहिशां नू पूरिया करिया कर, इंज अपने वालिदैन दे नाल मुहब्बत करिया कर। वालिदैन ते ऐसी चीज है मेरे मुसलमान वीरो जिन्हां दी याद मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बयान दे रहे। एक दिन महबूब गुजरे ने मकामे अबवा तो, पैगंबर नु अपनी मां दी याद आ गई है ना, मां दियां जुदाइयां दा वेला चेते आ गया। महबूब पैगंबर ने रब कोलों इजाजत मंगियां ने, मेरे मुसलमान वीरो रब ताला ने इजाजत दित्ती। महबूब जाके इन्ना जारो कतार रोए मां दी कबर ते, इन्ना जारो कतार रोए सहाबा कराम भी रोई जा रहे ने। पुछण वाले पुछदे ने महबूबा केड़ी हस्ती है जिन्ना दी कबर ते इन्हें आंसू बहाई जांदे जे, इन्ना रोई जांदे जे। महबूब फरमान लगे ए मेरे यारो, ए मेरी मां दी कबर है, इसलिए वीरो वाले दैन दी खिदमत करो। एक आखरी वाक्या बयान करके मैं अपनी गल नूं खत्म करना चाहना। मेरे मुसलमान वीरो, एक मां अपने बच्चे नूं स्कूल दाखिल करवाण वास्ते गई है ना, ए मां दा रंग सिया है एक अख भी कोई नहीं ना। जदों स्कूल दे अंदर पुत्र नूं दाखिल करवाया ते करवा के आई है ना, ते मां अपने पुत्र इक्को ही पुत्र है, जांदी रहिंदी मगर जाके बह जांदी है। एक क्लास वाले मुंडे छेड़दे ने तेरी मां दा रंग कियो जे है, तेरी मां दी अख कोई नहीं। ए जदों छेड़दे ने ना, ए कहण लग्या ए मेरी अम्मी जान, ए मेरी वालदा ए मोहतरमा, तुसी मेरे पीछे ना आया करो, तू मेरे पीछे ना आया कर। फिर भी मेरे मुसलमान वीरो, मां इना पीछे पहुंच जांदी है। इसे तरह ए जदों लड़दा रहा डांटदा रहा, कदी जांदी रहना ते कदी ना जाना। करदियां करांदियां पुत्र जवान हो गया, पढ़ ले गया, नौकरी लग गया, शहर शिफ्ट हो गया। देहातों जाके शहर दे अंदर जदों शिफ्ट होया, उत्थे कोठी बना लिए, उत्थे रहन लग पिया। व्याह कीते ना जदों शादी करन लगे, सारे लोगों नूं सद लिया, मां नूं नहीं सद्या कि मेरे यार ते बेली आणगे। मैं किहड़े मूंह नाल आखांगा आ मेरी मां है। मैं इंज दे वी बदबख्त वेखे ने, को ओहदा मिल गया, को अफसर लग गया, या को कारोबार चंगा। ए बुढ़ड़ा साध्या जा पगड़ी बन के प्यो मगर गया चले, शहरों दिल कीता इत्थे मेरा पुत्र सलाम ही कीती जावा। पुत्र नूं जाके जदों बाबा आंदा, पुत्रा की हाल है तेरा, एगो जालम कहिंदा अपने नाल दे यारां ते बेलियां नूं, यार मेरे पिंड दा कोई बंदा एवें मैनूं मिलण वास्ते आ गया। इंज दे भी लोग साडे मुआशरे दे अंदर मौजूद ने। मेरे मुसलमान वीरो, गौर करना, कहिंदा मैं लोगों नूं की मूंह विखावांगा। मां नूं पता चलिया, कहिंदा मां तू मेरे घर मेरे व्याह ते कोई नहीं आना। मां रो के बह गई है, इसे तरह ही आंसू बहा के बह गई है। कई पुत्र दियां बरातां जांदियां वेख लिया ने, वेख के तसल्ली दे लिए, कहिंदी पुत्रा ठीक है कलाम नहीं करदा, चलो तेरी मैनू कंड दाले दिसदी है। अज कई मावां कई पुत्र सीधे ही उठदे ने ते अपने कमरे दे अंदर, मां दी पुत्रा कोई नहीं बुलांदा नहीं ते तू मैनू दिसदा तां है गई है ना। मेरे मुसलमान वीरो, गौर करना तवज्जो फरमाना। वक्त गुजरदा गया, अल्लाह पाक ने एक दिन फिर मां गई है, इन्हें धक्का दे के कट दिता है, आज तो बाद मेरे घर दे अंदर ना आई। ये जदों मेरे मुसलमान वीरो ये चली गई है, ते फिर पता चलिया अल्लाह पाक ने मेरे पुत्र नूं बेटा दे छड़े है, पोतरा दे छड़े है। मेरे मुसलमान वीरो कहन लगी पोतरे नूं वेखे आवां, फिर सबर कीता है। जदों चलन फिरन दी उम्र दा पोतरा हो गया, ये जाके दरवाजा खटखटा, नौकर ते मुलाजम आए ने, कहिंदे ने माई तू कौन है, कहन लगी कि मैं इंदी मां, ये अंदर दाखल होई है। पोतरा आया इनू सीने दे नाल लाया, मुहब्बत पई कर दिए, प्यार पई कर दिए, उन्हें अनु ये पुत्र आ गया। कहिंदा मां तेनू मैं पहला भी आखिया सी, मेरे घर दे अंदर ना आवी, तू फिर आ गई है। इन्हें धक्का मारे ते मां थले डिग पई है, ते मां दे मेरे मुसलमान
मुसलमान वीरो हौसले सारे टुट गए ने। हाय अल्लाह ऐसे पुत्र नू मैं सांभे आ, हाय अल्लाह ऐसे पुत्र नू पाल के जवान कीता पढ़ाया। अजे यही कहिंदा मेरे कमरे दे अंदर इत्थे ना भी मेरे घर दे अंदर ना ही। अज इंज दे जालम पुत्र है गए ने केड़े कहिंदे ने मां मेरे घर दे अंदर आना तेरा कोई हक नहीं बनदा, मेरे कमरे दे अंदर ना आए वीर ना इवें करिया कर। मेरे मुसलमान वीरो मां गई चलिए इसे दुख नू ला के रोंदिया रोंदिया बीमार हो गई है। ते जदों इनू पता चलिया ना कि मैं हुण मर जांगी अपने पुत्र वल खत लिखण लगी है। पहला कहिंदी पुत्र तू मेरे रंग तो नफरत करना है, ये रंग तो रब दी अता है, भावें काला दे दे ते भावें रब सफेद दे दे। ते दूजी रही गल अख तू मेरी कहानी अख तो नफरत करने वाला है, ते ये भी गल सुन ले मेरी ध्यान दे नाल, तेरा बाप फोत हो गया ते तू निका जिया सै, ते चलदियां चलदियां वेड़े दे अंदर एक दिन तू डिगया है ते थले किल पिया मेख पई है जेड़ी तेरे अख दे अंदर वज गई है। तेरी अख दे अंदर वजन दी वजह दे नाल तेरी अख जाया हो गई है, तेरी अख जाया हो गई है। ते मैं भजियां डॉक्टर दे कोलो कि मेरे बेटे दी अख सही हो जाए, ते डॉक्टर जवाब दे दिते ये अख ठीक नहीं हो सकेगी, या मुतबादल अख दा इंतजाम कर लो, असी मुतबादल अख पा देंगे, मुतबादल अख पैगी ते ठीक होएगा। कहन लगी पुत्रा मैं आखिया मेरी तो खैरे मेरा पुत्र कित यारां ते बए ते मेरे पुत्र नूं कोई काणा ना आखे, मैं अपनी अख दी कुर्बानी दे दिती, अपनी अक कड़वा के तेनू पवा दिती है। ये अक जिंदी वजह तो तू मेरे नाल नफरत करन वाला है, ये मेरी अक तेरी अक जड़ी है खराब निकल गई, मेरी अक पै गई ते तू सही वेखन लग पे है। अज मैं तेनू मेरे मुसलमान वीरों कहिंदी है तेरे तो बगैर मैनू चैन कदों आंदा सी, तू समझिया कि मैं इन्नी देर शहर ही नहीं आई, मैं इत्थे ही लुक के बैठ जांदी सां, जदों तू दफ्तर जान वास्ते निकलदा सैं ते मैं तेनू वेख लिया कर दी साम कि हाय अल्लाह चलो बोलदा नहीं मैनू दिसदा ते है ना, हाले तक मैनू दिसदा रहा ना। अज पुत्रा तू असलों मेरा कलेजा ही टा दिता है, अज तू पुत्रा मैनू असलों ही मार छड़िया, मैनू जींदी नू मुका छड़िया, तू मेरे पल्ले कख नहीं छड़िया। वीरा इन्हें खातरों ना कर दिता ते उधरों पैगाम आ गया रब तालन दी तरफों, ये तो रब दी मर्जी है ना कदो रब दा पैगाम आ जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, ओ नहीं मौत किसे नो छोड़ दीजे, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे, ओ मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इत्थो कल्ले हो गए जोड़े ने मियां टुर गया, बीवी कल्ली रह गई, बीवी टुर गई है मियां कल्ला रह गया। वो इत्थो कल्ले हो गए जोड़े ने कईयां हत्थी पुत्र टोरे ने, बुढ़ा बाप आंदा पुत्रा वारियां मेरियां सी लई तू जानै, ओ जींदियो जी मारी जानै, मेरा लक दौरा कीती जानै। ओ कईयां हत्थी पुत्र टोरे ने कईयां मापियां थी मुख मोड़े ने, जदों मलकुल मौत आंदा ही ये नहीं वेंदा इन्हां दे गुजारे किवें होणगे। आ तीन चार दिन हो गए मेरे मामू जी वफात पा गए, खुदा दी कसम चार बच्चियां ने बेटा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह दी तरफों आने वाला पैगाम ही नहीं वेंदा, इन्हां बच्चियां दा सहारा कौन बनेगा, इन्हां दे कर दे हालात किवें चलणगे। ओ कईयां हत्थी पुत्र टोरे ने कईयां मापियां ते मुख मोड़े ने, ओ कईयां हत्थी पुत्र टोरे ने ओ कईयां मापियां ते मुख मोड़े ने, ओ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते मौलाना ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की, ओ तेनू हाले भी यकीन नहीं आंदा, ओ दस इबर
इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, ओ साडे हादी नबी रहीम किथे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मां ते पैगाम आ गया, पुत्र दे कोले जदों खत पहुंचे है, ये सारियां गल्लां वेख के रो पिया, गश खा के डिग पिया। लोग आन के उठाया, मेरे मुसलमान वीरो, लोग पुछदे ने ओ यार तेनू की होया, की मसला बनया। ये रोंदा कहिंदा, यारो मां दे प्यार वरगा प्यार कोई नहीं, मां दी उल्फत वरगी उल्फत कोई नहीं, ये अंग्रेज है। ये मेरे मुसलमान वीरो, उस दिन तो इन्हे मदर डे का आगाज कर दिता, मां दा दिन, मां दा दिन मनान लग पिया। उतो भजया ते मां नू मनान वास्ते जाके विंदा, ते मां मर चुकी है ते उथे बह के रोंदा। नौजवाना तेनू मैं ही दावते फिक्र देना चाहना, मापिया दे जान तो पहला, मां दे मरण तो पहला पहला मां दी खिदमत कर ले। जे टुर गई है कबरे अंदर, ओ चले आ मां नहीं ओ लबनी। जे टुर गई है कबरे अंदर, ओ चले आ मां नहीं ओ लबनी। जदों दुनिया ठकराएगी उदों मां याद आएगी, जदों दुनिया ठकराएगी उदों मां याद आएगी। रो रो के, रो रो के बाजा मारेगा, ओ ठंडी छां नहीं ओ लबनी। ओ जलिया मां नहीं ओ लबनी, रुआएगा सतावेगा जे दिल मां दा दुखावेगा, रुआवेगा सतावेगा जे दिल मां दा दुखावेगा। गमा तो फिर सर छुपावन लई कोई थां नहीं ओ लबनी, ओ जलिया मां नहीं ओ लबनी। जे टुर गई है कबरे अंदर, ते वीरा मां नहीं ओ लबनी। तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सावानू, ऐवें ते नी लोकी रोंदे मावानू। तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सावानू, ऐवें ते नी लोकी रोंदे मावानू। मां दियां यादां गम दे घर परो गईयां, एक वेड़े विच किनियां कंदा हो गईयां। मां दियां यादां गम दे घर परो गईयां, एक वेड़े विच किनियां कंदा हो गईयां। मां ने जोड़ी रखिया, मां ने जोड़ी रखिया सब बैन बिरावां नूं, ऐवें ते नी लोकी रोंदे मावां नूं। इसलिए मेरे मुसलमान वीरो, अज अल्लाह ने वक्त दिता है, अपने वालिदैन दी खिदमत करो, अपने वालिदैन दे नाल प्यार करो, इन्हां नूं इन्हां दी खिदमत करके जन्नत दे हकदार बन जो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन ओ बंदा, लानती ओ बंदा, जिस बंदे नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिता कि उहदे वालिदैन बुढ़ापे दे अंदर ने, ते फिर उन्हां दी खिदमत करके जन्नत नहीं लै सकिया। और महबूब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, कल कयामत दा दिन होएगा, तीन ऐसे बदबख्त बंदे ने जिन्हां दे वल अल्लाह रब्बुल आलमीन नजरे रहमत दे नाल वेखणगे नहीं, ना वो जन्नत दी खुशबू पाणगे। हालांकि जन्नत दी खुशबू बड़ी दूरों दूरों आ जाएगी। मेरे मुसलमान वीरों, महबूब ने फरमाया, अल मन्नानुल, जेड़ा बंदा एहसान करके एहसान जुतलाण वाला है, किसी ने नेकी कर ली,
नेकी करके जुतला रहे है कि मैं तेरे ते नेकी की थी, एहसान कीता। दूसरा बंदा हमेशा शराब पीने वाला बंदा। तीसरा बंदा महबूब ने फरमाया जेड़ा अपने वालिदैन दा ना फरमान बंदा है, ऐसे बंदे नू जन्नत दे अंदर जाना ते दरकिनार जन्नत दी खुशबू भी नसीब होनी नहीं। इसलिए वीरा आज अपने वालिदैन दी पैरी पै जा, उन्हां तो माफी मंग के बाबा जी अम्मी जी मेरे तो गलती होगी, कुताही होगी, और खुदा दी कसम अगर वालिदैन नाराज होना अल्लाह पाक कर दे अंदरों बरकतां भी चुक लैंदे ने, अल्लाह रहमतां भी चुक लैंदे ने मेरे मुसलमान वीरो, और रब दी रजा उस करते उस बंदे ते कदी नहीं हो सकती जिंदे ते वालिदैन नाराज ने, क्योंकि महबूब ने फरमाया कि वालिदैन दी रजा दे अंदर रब दी रजा है, रब दी रजा दे अंदर वालिदैन दी रजा है। अगर दुनिया ते तेरे ते तेरे वालिदैन राजी ने ते अरशे बरी ते रब भी राजी है, अगर दुनिया ते वालिदैन राजी नहीं ते अरशे बरी ते रब भी राजी नहीं तेरे ते। मेरे मुसलमान वीरों इसलिए मैं जो बयान कीता तुसी समात फरमाया, अल्लाह को दुआ है बड़ी हिम्मत दी गल इनी सर्दी दे अंदर वक्त निकाल के आए जे अल्लाह ताला सबना दा बैठना कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला साड़ी आज दी रात लेखे ला के सानू सारे नू जन्नतुल फिरदौस दा मेहमान बनाए। जो फौज शुदगान ने अल्लाह उन्हां दी कबरां नू ठंडा फरमाए, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए, और को बशरी तकाजे गलतियां कमियां कुताइयां ने अल्लाह माफ फरमाए। और मैं जो बयान कीता तुसी समात फरमाया, कहना दर अब सब तो पहला मैनू फिर तुसानू अमल करन दी तौफीक।